तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, इससे पहले वाले व्लॉग में मुझे काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि मैं निकल पड़ा था सुबह के 4 बजे खिरई के लिए, आपके लिए बेहतरीन सिनेमैटिक्स और टाइम लैप्स कैप्चर करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़राब मौसम होने के कारण और काफ़ी ज़्यादा फॉग होने के कारण मैं जो है उस वक्त कैप्चर नहीं कर पाया था। तो आइए अब जान लेते हैं आगे की कहानी। तो खड़गपुर से लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं जा पहुंचा खिरई। खिरई पे जाकर मैं रंग बिरंग के फूलों से और कई तरह के बागीचों से मेरा रूबरू हुआ। वहां पर जाकर देखा कि ट्रेन लाइन के एक तरफ थी धान की खेतें और एक तरफ लोगों का जैसे मेला लगा हुआ था। तरह तरह के फूल और छोटे छोटे फूलों के पौधे वहाँ पे मिल रहे थे, हालांकि उनका व्यापार हो रहा था वहीं पे। ये देखिए, ये पर्पल कलर का जो फूल है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था। तो आइए अब वीडियो में कंटिन्यू। वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आया हुआ हूँ खिराई में, और यहाँ पे शूट ज़्यादा करने को मिला नहीं। जितना भी मिला 2 या 3 मिनट का वीडियो बन सकता है इससे, तो मैं बना के अपलोड कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे, लाइक इट्स वर्थ विजिटिंग, राइट? तो ज़रूर आइए और ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू। बातों ही बातों में शाम ढलती जा रही थी, लोग भी अपने अपने घर के तरफ निकलते जा रहे थे, और इन फूलों का भी इशारा यही कह रहा था कि सूरज अब ढलने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जगह काफ़ी ज़्यादा प्यारी और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। फूलों से भरी पड़ी इस जगह को धीरे धीरे से जो है बर्बाद कर दिया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आने के कारण। तो आप आइए, ज़रूर आइए, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा इस जगह को पल्यूट यानी कि गंदा कर दिया जा रहा है। काफ़ी तरह के कचड़े, जैसे कि खाने के चीज़ें, चॉकलेट के रैपर्स, तरह तरह के पेपर बैग्स, ये सब फेंक कर, तो इसके लिए जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा पल्यूशन हो रहा है। तो यही जो है मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था, ठीक है, कि आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिए, लेकिन ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि यू गाइज डोंट पोल्यूट दिस प्लेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे जो मोहतरमा है यहाँ पे ये फूल तोड़ रही हैं, और काफ़ी सही लग रहा था। ये उतने अच्छे से आया नहीं है कैमरा में, लेकिन आप लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए, यहाँ का एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा। ये जो बोर्ड है आपके सामने, इस पर यही लिखा है कि पोल्यूट मत कीजिए, ज़रूर आइए लेकिन पोल्यूट मत कीजिए। गो